उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार का ये आठवां बजट है। प्रत्येक बजट में हमने अपनी किसी थीम को लेकर प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह प्रदेश के किसानों को समर्पित था। आज का जो बजट है वह प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को समर्पित किया गया है। से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अपना पांचवा बजट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का ये सातवां बजट है और आठवां बजट है। सात बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं, उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए पिक एंड चूज नहीं, उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे वह 25 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी